السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما سميعا بصيرا والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رفعت زراسم هالو أبني زباك وأبتم रिफायत ज़रा संभालो अपनी ज़बाँ को अब तुम हर बात लिख रहा है जो कातिब ज़बाँ है हाजरीन मजलिस दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दर्स के लिए महमदुररसोल्ला सल्ला व्म की एक हदीस का इंतखब किया गया है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने सही में नक़ल किया है इस हदीस के अंदर महम्मदर रसोल्ला सल्ला व्ल् ने ईमान के तीन अहम तक़ों को बयान किया है यूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोमिन कहते हैं हम और आप भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हकीकी मोमिन और मुसलमान वही लोग हैं जो ईमान और इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारते अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ईमान के तीन अहम तकाजों को इस हदीस के अंदर बयान किया है रावी हदीस अबू हरेरा रजील्ल हैं। वो बयान करते हैं कि मोहम्मद ने फरमाया जो शख्स भी अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान लाने का दावेदार हो जो भी ये दावा करे कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हूँ, तो उसे तीन काम जरूर करना चाहिए यह उसकी जिम्मेदारी है पहली बात या पहला काम यह फलीसमुत उसे चाहिए कि या तो वो अच्छी बात बोले या खामोश रहे क्योंकि इस्लाम के अंदर जुबान की हिफाजत की बड़ी अहमियत है कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरमायादही रकीब अतीद कोई भी शख्स अपनी जुबान से कोई कलमा नहीं निकालता मगर एक निगहबान फरिश्ता उसे लिखने के लिए तैयार रहता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तकाजों में ईमान का पहला तकाजा यह बयान किया कि आदमी को चाहिए कि वो या तो अच्छी बात बोले या खामोश रहे किसी को अच्छी बात का हुक्म दे किसी को अच्छी चीज़ की तालीम दे किसी को कोई दुआ सिखाए नसीहत करे या किसी गलत बात से रोके या खामोश रहे खामोश रहने का माना यह है कि आदमी करने से चुगली करने से झूठ बोलने से अपने आप को बचाए अपनी जुबान को झूठ, गीबत, चुगली और बहुत से महफूज रखे दूसरा तकाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया उमन बिल्लाही आखिर जा रो जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने का दावेदार हो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे पड़ोसी को तकलीफ देना भी ईमान के मनाफी है पड़ोसी के साथ उसने सलूक करना यह ईमान का तकादा है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रवायत के अंदर ये तालीम दी है कि जब कोई आदमी अपने घर में कोई सालन तैयार करे खाना बनाए तो उस सालन के अंदर पानी ज़्यादा करे पानी ज़्यादा डाले ताकि अपने पड़ोस में उसको भेज सके जैसे गोश्त है मछली है इस तरह की अच्छी जो मुरगन गजाएं आदमी बनाता है तो उसमें पड़ोसियों का भी हिस्सा रखे बीमार हो जाए तो उनकी इयादत करे कोई तकलीफ हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करे और अपने शर से महफूज रखने का माना क्या होता है इसमें बहुत सारी बातें आती हैं जैसे कि आदमी अपने पड़ोसी के दरवाजे के सामने पानी ना गिराए अपने पड़ोसी के दरवाजे के सामने गंदगी ना फेंके अपने घर में कोई आवाज इतनी बुलंद ना करे जिससे पड़ोसी को तकलीफ हो जाए या अगर हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी की जमीन है तो उस पर नाजायज कब्जा ना करे इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें आती हैं उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने तीसरा तकाजा ये बयान किया उमन यौमिल आखिर तुम तो में से जो कोई भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे अपने मेहमान की तकरीम करे मेहमान की इज्जत का माना यह होता है जब मेहमान घर में आए तो उसको अच्छे से अपने घर में ठहराए अगर लंबे सफ़र से आया है तो उसके लिए आरा आसानी का इंतज़ाम करे अगर लंबे सफर से आया है तो उसे बताए पेशाब और पैखाना की हाजत है तो उसको रास्ता बता दे बहुत थका हुआ है तो उसके लिए बिस्तर लगा दे उसको प्यास लगी है तो खुद आदमी बढ़ करके उसके सामने पीने के लिए पानी पेश करे ये ना पूछे कि आपको प्यास लगी है कि नहीं लगी है आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है कभी कभी ऐसे सुलूक से मेहमान हमारे घर आता है और भूखे और प्यासे चला जाता है अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसे इब्राहिम का अंदाज था उनके घर में फरिश्ते मेहमान की शक्ल में आए तो उन्होंने पूछा नहीं कि क्या खाओगे फौरन बछड़े को जबा कर दिया और गोश्त उनके सामने पेश कर दिया तो मेहमानों की तकरीम का ये अंदाज़ होना चाहिए कि जब कोई दूर दराज से मेहमान आए तो उसकी क़ज़ा हाजत वगैरह के मतलब अगर कोई उसको ज़रूरत हो तो हम उसका इंतज़ाम करें उसकी रहनुमाई करें उसके आराम के लिए बिस्तर लगा दें उसके लिए पीने का इंतज़ाम करें और हमारे पास जो भी मैसर हो गज़ा अल्लाह ताला ने जो भी तौफीक दिया है अपनी कोशिश से अच्छी से अच्छी चीज़ उसको जो है उसके सामने पेश करने की कोशिश करें तो ये ईमान के तीन अहम तक़ों को इसके अंदर महमदुर रसूल सल्ला व्लम ने बयान किया है पहला तकाजा ये है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने का दावेदार हो उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात बोले या खामोश रहे दूसरा तकाजा यह है कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे और तीसरा तकाजा यह है कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे अल्लाह से दुआ है कि आलमीन हमें ईमान के इन तीन अहम तकाज़ों को मुकम्मल करने की इन अहम तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अदा फरमा और ईमान के साथ मौत मोत नसी फरमामी वल्हनबी करीम्सम वरह व व बरकातहू